अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, ठीक हूँ। और बस अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, हस्बैंड आ गए, रात का सालन बचा हुआ है। और बस अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड तो नाइट करते हैं, तो ज़्यादातर हस्बैंड ना संडे वाले दिन हलवा पूरी लेकर आते हैं, पर आज अली नहीं थे क्योंकि अली नानों के रुके में, तो बस अली की वजह से आ जाती है। क्योंकि मैं भी इतने शौक़ से नहीं खाती, ना हस्बैंड इतने शौक़ से खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो बस अब मैंने सिंपल सी चपातियाँ बनाऊँगी क्योंकि एक भी बज रहा है, मेरी आज सुबह ही एक बजी हुई है। पहले मैं उठ जाती थी, नमाज़ भी हो जाती थी, अब तो बिल्कुल उठनी नहीं होती है। फजर की नमाज़ जोहर में ही पढ़ती हूँ और बाकी चार नमाज़ें तो अपने बच्चे के मुताबिक माशाल्लाह हो जाती हैं। बस इंशाल्लाह अपनी रूटीन चेंज करूँगी, बस क्या जाते हैं कॉलम देंगे खाना खा कर। ओके, धोने के बाद इसका सारा पानी अच्छी तरह निकल जाएगा और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए, चमक रहे हैं। हस्बैंड ये धो रहे हैं और ये भी हल्के सर्फ में धो रहे हैं, हल्का सा सर्फ लगा के ब्रश से वो कर रहे हैं, वो ये भी चमक जाएगा। ये निशान मिल जाएगा? नहीं नहीं चला जाएगा। ये ज़ैनब है, ये भी उठ गई और ये देखें उन्होंने अपना खिलौने फैलाना शुरू कर दिया। उठते के साथ ही क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए है? क्या? अच्छा क्या चाहिए, क्या चाहिए है, क्या चाहिए? आपने ये अपना डॉल हाउस निकाला है ना, इसको रखो, उठाओ। उसमें हाउस कहाँ है? उठाओ ये, उठाओ। और ये देखो, ये ड्रॉ खोली थी आपने ऐसी बंद की, उसके अंदर से कपड़ा निकल रहा है। ये दोबारा खोलो शेर। ओ भाई बताएगा, भाई की टोपी उठाओ, अल्लाह अल्लाह उठाओ, ये अल्लाह है, टोपी उठाओ। हाँ भाई की है, भाई की है, किसकी है, किसकी है? मैं चल अभी आपको तैयार करूंगी, मेरे पापा के कपड़े इस्त्री कर दूँ, फिर आपको तैयार करती हूँ। संडे का दिन तो पता ही नहीं चलता और आज मेरी आँख भी देर से खुली थी। आजकल क्या, मेरी आँख दो तीन दिन से बहुत ज़्यादा, तीन दिन से भी ज़्यादा ही बहुत देर से खुली है। उसकी वजह से फजर की नमाज़ भी कज़ा हो जाती है और मैं ज़ोहर की ही नमाज़ में फजर की कज़ा पढ़ती हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ की है कि इंशाल्लाह मैं फजर की नमाज़ भी दुआ से स्टार्ट करूँ और तमाम नमाज़ अपने वक्त के मुताबिक पढ़ूँ। बाकी तो सारी अपने वक्त के मुताबिक हो जाती थी, फजर ही रह जाती है मेरी अक्सर। और बस अभी ज़ैनब को खा के तैयार करेंगे, इसके बाद मैली को भी लेने जाना है, जो काम है छोटे मोटे वो भी करेंगे। फौरन भी धुल गया था, सफाई हो गई, ये सब काम पहले भी धुलवाया था, अभी दोबारा ना सुबह दोबारा धोया क्योंकि इसमें ना वाइट रखना शान आ रहा था, तो सही से नहीं धुला था, तो मैंने दोबारा धुलवाया। बाकी तो सब चीज़ें सब तक पहले की धुल के रख दी थे। लाइला बात में पड़ो, पर बिस्मिल्लाह पूरा करते हैं ना। जेलू शू जैनू को फिर मैं नहीं है भी करानी है, मौसम हो गया है, मैं ला दूँगी थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद। सही है, सही है। नहीं करनी है आपको या जैनू? बालों में चंपी कर देंगे जैनू की, ऑयल की, बालों में ऑयल लगवाना है, हेयर ऑयल है। जैनू भाई कहाँ है? माशाल्लाह से जैनू वो अपने हाथ से खाती है, भली हो गई जैनू भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस अपने खाना आना खा के हम फारिग हो गए, अल्लाह का शुक्र है। और बस अभी मुझे मैचिंग का ये मैंने निकाली, मम्मा के जाऊंगी, ज़रा ये भी लेके जाऊंगी, फिर कुछ मैचिंग लेकर आनी ज़ैनब की। और
बस क्लीनिंग हो गई है, अब ज़ैनब को नहलाना है, बस छोटे मोटे काम है वो निपटाऊँगी। इतवार का दिन तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, वरना तो इतवार के लिए होता है संडे आएगा और हमें ये करना है वो करना है, और जब वो आता है इतनी तेज़ी से चला जाता है। काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो हम संडे के लिए कर रख देते हैं कि इतवार को आएगा तो हम करेंगे ये काम, पर आज का दिन तो वाकई मुझे पता नहीं चला। ज़ैनब को नहलाया, तैयार कर दिया, अब ज़ैनब भी आके बैठ गई, अब मैं इनके बाल कटाऊँगी और ज़ैनब को फिर उसके बाद थोड़ी देर के रेस्ट दूँगी क्योंकि एकदम मैं बाहर नहीं लेके जाऊँगी, और फिर अभी मौसम ठंडा गर्म हो रहा है ना, फिर उसके बाद मैं भी अपने कपड़े कपड़े चेंज करके सब करके फिर मैं भी जाऊँगी। तो बस छोटा सा एक मैंने ये बाय बनाना था, तो बस मैंने सोचा कि चलो वो भी कर लें क्योंकि अली मुझे एक काम देके गए थे। मैंने अली से कहा था, मतलब ये बनाया तो मैं ही रही थी, बस अली से मैंने कहा था उसमें आप कलर करोगे, थोड़ी बच्चों की एक्टिविटी हो जाती है और इससे थोड़ा सा फ्रेश हो जाए माइंड, क्योंकि पढ़ाई क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी अली के आ रहे हैं ना, तो मैं कुछ ज़्यादा ही उसको पढ़ाई पे तब वो कर रही हूँ कि ये करो वो करो, क्योंकि अली की ना राइटिंग का थोड़ा इशू है। वैसे तो टीचर ने कोई कंप्लेन नहीं की थी, अभी पेरेंट्स मीटिंग म्यूजिक में गई थी, सिर्फ राइटिंग का कहा था कि थोड़ी अली अपनी राइटिंग मतलब दुरुस्त करें, थोड़ा राइटिंग का इशू है, बाकी सब चीज़ें अली की परफेक्ट है, और बस अली थोड़े से ना स्लो हैं और कोई इशू नहीं है, बस ये है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। बस अली की मैं इस चक्कर में ज़्यादा वो कर रही हूँ, बस अली को इसलिए लेने जा रही हूँ मम्मी के घर से क्योंकि आगे जो बचा उसका काम है वो मैं करा दूँ। वैसे तो मुझे पता है मेरी बहन ने करा दिया होगा, माशाल्लाह अली को मेरी बहन बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं पढ़ाई में, और मम्मा भी ख़ुद भी पढ़ाती हैं, तो इसलिए मम्मा को भी बहुत ज़्यादा अली को वो करती हैं। तो बस आप ये करके छोटा सा काम करूँगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये सामान आप देख रहे हैं, मैं एक कलर बनाऊंगी, और हेयर कलर बहुत से निकल गए, कलर बनाऊंगी, ये आप गमलों पे भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, सॉरी फर्नीचर पे भी कर सकते हैं, फर्नीचर में जो फूल्स वूल्स होते हैं सॉरी फर्नीचर में फूल वूल होते हैं ना, सब पे आप कलर आराम से कर सकते हैं, जो गोल्डन कलर आते हैं शाइनिंग वाले कलर लेंगे। तो मैं आपको ये बताऊँगी, ये मैंने कॉपर कलर लिया है क्योंकि एक अली का असाइनमेंट था स्कूल का, तो मैंने उसके लिए लिया था, ये काफ़ी पहले का कलर है, सबसे ज़्यादा पहले का नहीं है, आई थिंक ये होगा मेरे पास 7-8 महीने पहले का कलर है ये। तो बस और ये मिट्टी का तेल है और वार्निश है इसके साथ, और ये जो थर्माकोल की शीट है, ये जो है क्या नाम है थर्माकोल, मतलब ये उसके अंदर मैंने प्लांट लगाया था, ये मेरे मतलब जो डिनर सेट है ना उसकी प्लेटों का था ये, तो पहले मैंने इसे प्लांट लगाया हुआ था, और फिर उसके बाद इसको मैंने हमने ना सोचा कि थोड़ा चेंज करूँगी, इसमें कलर वगैरह करा था वो सब ख़त्म हो चुका है, और मैं इसको चेंज करके पहले मैंने अपनी गैली में रखा था, तो अब थोड़ा सा मुझे इसको चेंज करना है। तो ये जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, तो बस ये मैंने सोचा अभी इसको लगाऊँगी गम मशीन की मदद से, और ये करके मैं चली जाऊँगी, कपड़े कपड़े चेंज कर लिए मैंने, फिर उसके बाद मैं अली को लेने जाऊँगी, फिर वापस में आऊँगी जब तक ये सूख जाएगा अच्छी तरह। वैसे तो ये 10 मिनट में ही माशाल्लाह कप मशीन का सूख जाता है, जैसे जैसे हम लगाते रहते हैं वो प्रेस करते रहते हैं वो सूखता रहता है। बस अब मैं चली अली, बस इसको लगाऊँगी और ये सूखेगा, फिर इसके बाद मैं चली जाऊँगी कलर अली करेंगे, क्योंकि अली से मैंने वादा किया था कि कलर आप करेगा, फिर कह रहे मामा आप मुझसे करवाएगा, मैंने कहा, और काफ़ी अच्छा है अली जब करते हैं तो एक तरह से अली की एक्टिविटी भी होती है, थोड़ा माइंड फ्रेश होता है बच्चों का, और ज़ैनब भी देखती है खुश होती है। बच्चों को ज़ैनब से कलर तो नहीं कराऊँगी, पर यह है कि ज़ैनब को भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी दे देती हूँ, अपने खेलने में लग जाती हूँ। और आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।
आया और अब ज़ैनब भी तैयार है, बस अली को लेकर आएंगे। वो बना के रख दिया है, आने के बाद बाकी की वीडियो अभी से शेयर करेंगे। बस अली आ गए हैं, इनका होमवर्क कराऊंगी और फिर उसके बाद थोड़ा टेस्ट वैसे मुझे दोबारा से दे रहे हैं आने के बाद कपड़े पर चेंज करके, और फिर उसके बाद हम अपना काम करेंगे। दूसरा तो एक्टिविटी भी हो जाएगी, थोड़ा इनका माइंड फ्रेश हो जाएगा। वहाँ पर मैं मम्मा के पढ़ी रहती है। सही है, हो गया ना टेस्ट कंप्लीट हो गया। ये टिक वाला भी आप कर लो प्रैक्टिस, सही है इसकी। अब अली आ गए घर पर, शाम में पहले याद कराई थी। चलो सही है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी। चलो अभी हम दूसरा काम करते हैं, थोड़ा सा ना रेस्ट कर लो, पढ़ाई को रख दो। हो गया ना ये, बस इसको रख दो। ये मैं लेकर, ये जो था ये तो ज़ैनब को किसी ने गिफ्ट दिया है, उसके साथ ये मैचिंग का मैं ये लेकर आई हूँ, मतलब ये अंदर फ्रॉक के लिए और ये मैचिंग का सीकर टच का। गाइस ये मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये या तो टाइम मिला तो मैं अभी सीऊँगी, अभी तो नहीं कल सीऊँगी क्योंकि आज ये है इसका साथ का हेयर पेंट। और ये जो मैंने लिए ना ये क्लिप हैं, पर मैं ये क्लिप बालों के लिए नहीं फ्रॉक के लिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे मिल नहीं रहते इसकी मैचिंग के, तो मैं ये लेकर आई हूँ उसके साथ। और ये लेकर आई हूँ एक नीचे गिर, और ये बेल लेकर आई हूँ उठा लो, और ये बेल लेकर, ये हमारे क्लिप। बताएगा आपको कैसा लग रहा है बस ये सिलने के बाद। हाँ ये क्लिप दो ये हो जाएंगे। अब ये अगर मैं जैसे ज़रूरत लगी ना तो एक और मैं उसको बोल कर आई हूँ, फिर मैं एक क्योंकि ना रिटर्न नहीं होते हैं, फिर जब दो ना ज़्यादा हो जाएंगे तो ये बेकार लगेंगे। तो वाला। और ये हेयर बैंड भी लाइन वाली देखो, वाओ चमक की लगा दी बंदों ने। और ये इसके साथ लेस है, अच्छे लग रहे हैं। अली बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बहनों की लेस, ये खाने वाली लेस नहीं है। अच्छा अब ये भी रख देंगे, अब देखो उसको मैं कब सीती हूँ। मुझे जल्द से जल्द ही कोशिश करूँगी सी लूँ क्योंकि ज़्यादा मैं सिलाई नहीं कर रही है अभी, मेरे कमर में भी दर्द है। अच्छा ये इसके साथ मैच हो रहा है, वहाँ तो रोशनी में हो रहा था, हो रहा है ली। हाँ मामा जा गाइस, ये हमारी मदर है और ये वार्निश है, मिट्टी का तेल, उससे कलर बन रहा है, उसमें थोड़े से ग्लिटर ज़्यादा नहीं थोड़ी, ये भी कलर के लाता है, ये ग्लिटर कलर पे आता है, मतलब ग्लिटर कलर है तो वो थोड़ा ज़्यादा डाल लिएगा, ज़्यादा नहीं नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं मतलब डालती है। अब कलर बहुत प्यारा है, कॉपर शेड में, कॉपर शेड में आप कैमरे की वजह से थोड़ा अलग टाइप का सही दिख रहा है, लाइट दिख रहा होगा थोड़ा लाइट, लेकिन ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा आपको लाइट दिख रहा होगा। ये हमारा कलर है कॉपर, कॉपर का रिम मैम कई मेरे को टैलेंट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट बहुत है, कितना जबरदस्त आ रहा है, वाओ। अली आप टपका बोत रहे हो, ये कौन है कौन इसलिए कर देते हैं, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है कलर, खास तो उसके साथ रहेगा। बेस्ट अली आपने किताब ही नहीं समेटी पहले अपनी, इसके बाद ना फाइनल लुक हम देने वाले हैं। और भाई बड़ा ही प्यारा कलर है, मुझे कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा पहली बार, ये पत्थर भाई मुझे कुछ कुछ वाइब्स, मुझे गाइस मुझे कुछ कुछ वाइब्स आ रही हैं कि मैं इस काम में बहुत टैलेंटेड हूँ पहले से ही, पता नहीं क्यों बस लग रहा है, तो नहीं हो जाएंगे है ना इंशाल्लाह।
मुझे देखिए जैनब भी अपनी एक्टिविटी करी हो, लो सारा पानी भी गिरा है भैया। जैनू मैंने अभी साफ किए थे परसों, ये सॉफ है। तो गाइस इसको बनाने का आइडिया देने वाला गाइस मैं हूँ, यहाँ पे मौजूद। मेरे मम्मा को आइडिया देता था कि ये बनाए तो मेरे दिमाग में आ गया था, मुझे पता नहीं था ये कलर मम्मा ने हाँ डिसाइड करा, बाकी का मेरा काम था। थैंक यू सो मच वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।